चलो भैया एकदम ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन नीट दो हजार तेईस का कर। करेक्ट स्टेटमेंट बता रहा है क्या बता रहा है करेक्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो पांच स्टेटमेंट दे रखी हैं पहली है कि डिटाइटिट्राइटिव वर्ड्स सॉरी डिट्राइटिव वर्ड्स परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिय गो डाउन इन टू द सॉइल and get precipitated by the process of leaching. The detritus food chain begins with living organisms. या फिर earthworms break down detritus into smaller particles by a process called catabolism. नया समझ में क्या कह रहा हूँ इंग्लिश बोले जा रहा है चलो कोई बात नहीं अभी अभी आते हैं इसे इसे कर दो थोड़ा साइड में और इसे ले आओ इधर वाली साइड में आ जाओ कौन से में इकोलॉजी की कौन सा चैप्टर है बताओ इकोसिस्टम शापास मेरा राजा बेटा पढ़ेगा आ जा सबसे पहले देखते हैं डिट्राइटस क्या होता है एनसीआरटी कह रही है कि डेड प्लांट रिमेन्स जैसे कि लीव्स हो गई बार्क हो गई फ्लावर्स हो गए और किसका रिमेन्स डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स प्लांट का रिमेन हो सकता है या फिर एनिमल के रिमेन हो सकते हैं प्लांट में क्या क्या हो सकता है लीव्स बार्क फ्लावर्स वगैरह वगैरह और एनिमल का रेटरीमेंट जिसे फीकल मैटर भी इंक्लूड कर रहे हैं इन सबको मिला के नेट्राइटस कह रहा है देखो कुल मिला के बात ये है कि ये कह रहा है कि नेट्राइटस जो है मरी हुई चीज़ है बस खत्म बात तैयार रहे हो ठीक है तो देखो फिर कह रहा है जो कि रॉ मेटेरियल है डिकम्पोजिशन के लिए यानी कि डिकम्पोजिशन इसी से स्टार्ट होगी अब देखते हैं डिकम्पोजिशन में स्टेप्स कौन कौन से पांच स्टेप्स है कौन कौन से फ्रेगमेंटेशन लीचिंग कैटाबॉलिज्म ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन तो पढ़ते हैं करके देखो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो डिट्राइटिव वर्ड्स हैं डिट्राइटस क्या था वो रॉ मटेरियल था डिट्राइटिव वर्ड्स और उस रॉ मटेरियल को कंज्यूम करने वाले खाने वाले जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा था अर्थवॉम केच ठीक है तो देखते हैं कि डिट्राइटिव वर्ड्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं डिट्राइटस को किसमें स्मॉलर पार्टिकल्स में इसी प्रोसेस को तो कह रहे हैं फ्रेगमेंटेशन देखो कितनी आसान है डेफिनेशन फर्स्ट स्टेप आसान है नहीं या फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि जो डिट्राइटिव वॉर्स जैसे कि अर्थवम हो गया वो तोड़ते हैं डिट्राइट्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में इसी प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कह रहे हैं ठीक है फिर दूसरा कौन सा था लीचिंग आ जाओ तो लीचिंग में कह रहा है कि वाटर सॉलिबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है वो कह जाएंगे इन टू सॉइल ऑरिजन ठीक है और प्रेसिपिटेट हो जाएंगे एज अन अवेलेबल सॉल्ट कौन सा स्टेप से थे दूसरा था कौन क्या नाम था लीचिंग ये हो गया फिर कैटाबॉलिज्म में क्या होता है बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम डिग्रेड करेंगे डिट्राइटस को किसमें सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में किसमें सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में डिग्रेड करेंगे डिट्राइटस को कौन बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स तो कौन सा प्रोसेस हो गया ये कैटाबॉलिज्म तीनों प्रोसेस हो गए अब तो देखो ध्यान रखने वाली बात ये है कि साफ साफ कह रही है कि जो तुम्हें तीनों स्टेप पढ़े हैं ना ऊपर डिकम्पोजिशन के ये एक साथ होते हैं डिट्राइटस पे ये नहीं कि पहले नंबर पे ये हुआ फिर ये फिर ये लाइन लग रही है नहीं बिल्कुल नहीं साइमल्टेनियसली होते हैं आया समझ में और क्या होते हैं सैमल्टीज होंगे और सॉइल के ऊपर अबव द दॉयल ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ठीक है फिर देखो क्या कह रहा है ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन ह्यूमिफिकेशन क्या है पहले देखो ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन कह रहा है कि ये क्या होते हैं ठीक इन द दॉयल होते हैं जबकि ये तीनों का होते हैं अबव द साइल और ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन का हो रहे हैं सॉइल के अंदर ऊपर वाले तीनों एक साथ हो रहे थे ठीक है ये बात ध्यान रखने की है अब पढ़ते हैं ह्यूमिफिकेशन क्या है देखो ह्यूमिफिकेशन लेट्स टू एक्यूमिलेशन ऑफ डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस जिसे हम ह्यूमस कह रहे हैं नाम में आ रहा ह्यूमिफिकेशन तो ह्यूमस आएगा उसमें तो और ये देखो पहले कह रहा है कि ह्यूमस क्या है डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस है मान लो कितन कोई क्वेश्चन नहीं आ जाए यार कि ह्यूमस रेफर्स टू चार ऑप्शन दे दे उसमें से एक ऑप्शन बोल सर करेक्ट होगा डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस है वही ह्यूमस है ठीक है तो फिलहाल ह्यूमिफिकेशन पे आते हैं किराए है, एक्यूमिलेशन होगा डार्क कलर अमोर्फल सब्सटेंस यानी कि ह्यूमस का जो कि हाईली रेजिस्टेंट रेजिस्टेंट है किसके माइक्रोबियल एक, एक, माइक्रोबियल मा, एक्शन के सॉरी यार थोड़ा क्या कर रहा हूं यार मैं भी सॉरी स्क्रीन चलो आते हैं दोबारा कौन है ह्यूमस हाईली रजिस्टेंट है माइक्रोबियल एक्शन के ठीक है और भाई जब हाईली रजिस्टेंट है तो डिकम्पोजिशन कैसा होगा स्लो रेट पर तो होगा तो इसमें इस क्या इसमें याद करने का बात है फिर बींगलाइडल इन नेचर इट सर्व्स एट द रिज़रवायर ऑफ न्यूट्रेन बाई इतने ये इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत ज़्यादा कि रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रेन बताओ डिकम्पोजिशन में क्या क्या होगा तुम तो? ह्यूमस ठीक है आगे आ जाओ तो याद है क्या हो गया ह्यूमिफिकेशन अब कह रहा है कि जो ह्यूमस है वो आगे डिग्रेड होगा किससे कुछ माइक्रोब से और रिलीज करेगा एंड रिलीज ऑफ देंगे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स किस प्रोसेस के द्वारा मिनरलाइजेशन के द्वारा आया समझ में पांच स्टेप्स क्लियर हो गए अब एक बार वापस आ जाओ जो, जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था शुरू में तो समझ में आई हुई कि क्या पढ़ दिया अब देखो करेक्ट बतानी है स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट है कि डिट्राइटिवर्स जो कि डिट्राइटस दिट्राइट, को खाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो नहीं तो कह रहे हैं एग्जाम्पल क्या देखा था अभी जल्दी जल्दी बताओ हाँ केचुआ अर्थवम वो फ्रेगमेंटेशन कराते हैं आइयो जरा पीछे को क्या यही करा रहा था देखना जरा फ्रेगमेंटेशन डिटाइटिवर्स तो करा रहे यार ब्रेक डाउन कर दें डिटाइट को स्मॉलर पार्टिकल्स में इसी प्रोसेस प्रोत्सफ़ तो फ्रेगमेंटेशन कह रहे हैं अर तो हम कह लो डिटाइट रिटाइव कह लो रिटाइटिवर्स एक ही तो बात है तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है नहीं है जल्दी चलने बताओ हाँ एकदम करेक्ट फिर दूसरी डेफिनेशन दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि ह्यूमस जो है फर्दर डिग्रेडेड बाय समोरिंग मिनरलाइजेशन यार कुछ जानी पहचानी सी लाइन ना लग रही है आइयो जरा ऐसा लग रहा है कि पड़ी पड़ी सी है आजा देखियो दर्दर डिग्रेडेड इनऑर्गेनिकोसेस नॉन एज अरे दिख रही है ना देख ह्यूमस इजर्द डिग्रेड बाई मिनरलाइजेशन में तो हो रहा है, तो है। एकदम तो सही टिकटो ठीक है ये भी सही हो गई नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या करिए वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन टू द सॉयलो रीजन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड बाय प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग यार ये भी देखी देखिए सी लग रही है आइए जरा लीचिंग में कहा लीचिंग देखिए जरा क्या कह रहा है वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक इन ये रहा गो डाउन टू द सॉयलो रीजन गो डाउन टू द सॉयलो रीजन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड बाय द प्रोसेस लीचिंग एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एंड अनबल सॉल्ट्स बस यहाँ अन अवेलेबल अगार क्या कह रहा हूँ मैं अन अवेलेबल सॉल्ट्स ठीक है बस ये नहीं लिखा हुआ है आप बाकी लीचिंग में यही सब हो रहा है वाटर सॉलेबल देखो अगर इसे गलत करवाना होता ना और बच्चे करते भी गलत अगर यहाँ पर कर देता ऑर्गेनिक न्यूट्रीन क्या ही पता लग रहा है ट्रू मार देते चलो अच्छा है कन्फ्यूज़ ना करा तो ये भी क्या है फिलहाल तो ट्रू है ठीक है नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि जो डिट्राइटस फूड चेन है वो शुरू है लिविंग ऑर्गेनिज्म से अरे यार अब तुम कहे ये तो पढ़ाया ही ना अभी कहाँ दिखाया इसका प्रूफ अच्छा आइए यहाँ पे जरा अभी क्या बताया था मैंने कि डिट्राइटस क्या होता है भाई मरी हुई चीज़ को तो डिट्राइटस कह रहे हैं अब चाहे वो प्लांट्स की हो या एनिमल्स की हो बताओ और ये क्या कह रहा है जो डिट्राइटस फूड चेन है अभी जिस फूड चेन में डिट्राइटस नाम आ रहा है वो लिविंग ऑर्गेनिक से कैसे शुरू हो सकती है दो तरह की फूड चेन होती है ना ग्रेजिंग फूड चेन और डिट्राइटस फूड चेन तो बताइए जरा डिट्राइटस में लिविंग ऑर्गेनिक कहाँ से आ जाएगा हटाओ इसे बताओ तेज लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है अर्थवॉम तो ब्रेक ब्रेक करता है डिट्राइटस को स्मॉलर पार्टिकल्स में कैटाबॉल अरे यार ये कर अरे यार करते दिमाग खराब कैटाबोलिज्म के थ्रू करता है यहाँ पे ही हो अर्थवॉम ब्रेकडाउन कर रहा है डिटाइट को स्मोलर पार्टिकल्स में किसके प्रोसेस के थ्रू फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ना कि कैटाबोलिज्म के, के थ्रू देख लो अर्थवॉम ब्रेकडाउन डिटाक्टेशन टू स्मॉलर पार्टिकल्स बाई प्रोसेस कॉल कटाबॉलिज्म साफ साफ गलत है नहीं? ये ये तो होगा नहीं क्या ना जी यहाँ पे फ्रेगमेंटेश वो होगा सही तो ए बी और सी तुम्हारा ट्रू है बाकी दोनों फॉल्स हैं ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन में ओके okay, बाय